बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम जैन सेतो है और हम आज कासमा म्यूनिसिपल ऑफिस दूसरी बार अपना एप्लीकेशन देने आए कि कचरा बहुत हो गया है, इसीलिए ढेर नहीं, रोड नहीं बना हुआ, ठीक है। स्पेशली हमारे जो मसले हैं, एक डस्टबिन हमारे वार्ड 8 में, एक डस्टबिन नहीं है, कोई स्टीलाइट काम नहीं करती। हमने 12 लोगों ने कंप्लेंट की है, काशिफ शोर चेयरमैन म्यूनिसिपल कासम बाद उनको कंप्लेंट की है, लेकिन अलमिया तो ये है कि काशिफ शोर साहब अपनी ऑफिस में नहीं होते हैं। मैं दूसरी बार आई, दूसरे लोग मेरे टाउन के आते हैं, वो अभी ऑफिस में नहीं होते हैं। उनको अपनी ऑफिस में होना चाहिए, लोगों की कंप्लेन वो सुननी चाहिए। और अभी जब मैं अपनी दूसरी दरख्वास्त देने गया तो जो मेरी पहली दरख्वास्त थी वो कहीं मिसप्लेस हो गई है, उसका कोई पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैंने अपनी इस एप्लीकेशन में मैंने इनको साफ लिखा है कि अगर इस पर काम नहीं होगा तो हम अपना बेसिक हक है, बेसिक जो हमारा राइट है प्रोटेस्ट का, वो हम करेंगे और अपने तरीके से अपने सोशल मीडिया में आवाज़ उठाएंगे कि हमारे साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं। हम टैक्स पेयर्स हैं, हम हर महीने टैक्स देते हैं, हर साल टैक्स देते हैं और हमारी सर्विस नहीं मिलती, कहीं कचरा नहीं उठता, डस्टबिन नहीं है, टीएम में ट्रक नहीं आती, स्ट्रीट नहीं है। तो ये हमारे बेसिक राइट है, हर जगह होने चाहिए। और हैदराबाद में कासमबाद एरिया, कोई हम गांव गोट में तो नहीं बैठे, ये शहर के बीच का एरिया है और इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है।